नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। तो आज 10th क्लास के बच्चों ने CBSE बोर्ड से जो पढ़ाई कर रहे हैं, दिया है अपना लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम मैथ्स का। मैथ्स स्टैंडर्ड की आंसर की मैं शिक्षा प्रवाह पर अपलोड कर चुकी हूँ और अब बारी है मैथ्स बेसिक की। सेट 1 के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर बच्चे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर रखेंगे सभी बच्चे अपने साथ में और मिलान करेंगे अपने राइट आंसर्स का। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। तो इस तरह का द्विघात बहुपद आप लोगों को यहाँ पर ढूंढना था। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, x²-3x+2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 70 और 40 के लिए LCF मल्टीप्लाई LCM किसके बराबर है। तो जब हम 70 और 40 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा हमारा 2800। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्धवृत्त चांदे की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर है तो इस चांदे का परिमाप क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना था, πr + 2r। जब आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, संख्या 5 - 3√5 + √5 एक क्या है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 5 - 2√5 रह जाएगा, 3√5 में से 1√5 चले जाएगा और जिसके अंदर 1√5 आता है वो संख्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद px = x²+5x+6 है तो, और p की वैल्यू -2 अगर हम पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। तो जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में तो आंसर आएगा b = 0, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो जब हमारा रेशियो में p वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा होता है q वाले ऑब्जेक्ट के मुकाबले, यानी कि जब किसी संख्या का परिमेय संख्या का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वो प्रायिकता नहीं होता, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को एक दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपको बताना है उसके कितने हल हैं। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, यानी कि निकलेंगे उसके बहुत सारे हल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, अभी ये आपका सब इंग्लिश में वापस से आ गया है, जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम था तो 1st का बी, 2nd का सी, 3rd का डी, 4th का सी एंड इरेशनल नंबर, 5th का वही बी 0, 6th का बी 5/3 और 7 का आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के और AE इतना दे रखा है तो आपको C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो C की वैल्यू आप कैसे निकाल दोगे, आपको दे रखा है यहाँ पे, तब आप क्या करोगे, 47 और 83 को ऐड कर लोगे और फिर उसके बाद जो आएगा उसको 180 से डिवाइड कर दोगे। तो आपका आएगा कितना, 130, और 130 को जब आप 180 में से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि x - y = 1 है, x + ky = 5 है और अद्वितीय हल x = 2 और y = 1 है, तो k का मान आप लोगों को निकालना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और y की वैल्यू को k के साथ पुट कर देंगे तो 2 + k = 5 आ जाएगा और k = निकल के आ जाएगा आपका 3, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, ठीक है। अभी उसके बाद बेटा हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 5 sin²(90 - 2 cos²)0। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है आपको पता है और कोस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो जब 5 में से 2 को आप लेस करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा 3, तो यानी कि इसका भी आंसर है 3 और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर 3 एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले
अर्थ के चाप की लंबाई। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ए 44/3। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, 30 मीटर ऊंची मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो 30 मिनट की मीनार हो गई 30 मीटर की, और 30 मीटर की दूरी हो गई 30 और 30। पूछा है उसने हमसे ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला अवनमन होता है, नीचे वाला उन्नयन। उन्नयन कोण जब वो हमसे पूछ रहा है तो 30 और 30 से जब कट जाएगा आ जाएगा 1, और 10/45 की वैल्यू होती है 1। तो क्या निकल के आ गया हमारा बी 45। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसके अंदर आपको बहुलक बताना है, यानी कि जिस संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है, ज़्यादा बार हो रही है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हो रही है, चार अंक की हो रही है। चार अंक इस पूरे सीरीज़ में चार बार दे रखा है, ठीक है। तीन तीन बार दे रखा है, दो दो बार दे रखा है, ठीक है, और पाँच भी सिर्फ दो बार दे रखा है, छः सात एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार 4 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 14, 52 ताश के पत्तों को फेंटा गया है, दो पत्तों एक पत्ते को यात्रा निकाला गया है, और उसके लाल बेगम होने की प्रायिकता, यानी कि 2/52, है ना। लाल बेगम तो दो होती हैं, ईंट में भी होती हैं, और एक वो क्या होता है, हार्ट वाला होता है ना, ईंट और हार्ट। तो ये दो पत्ते हो गए आपके, तो इनमें से दो बेगम निकल गई, 2/52 यानी कि 1/26। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 2 है और दूसरा जो मूल है 0 है, यानी कि दूसरा मूल जो हो गया वो हो गया माइनस का 2। तो 2 और माइनस 2 मिलाएंगे तो तब हम इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी x²-4। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन सी द्विघात समीकरण, सबके अंदर 2-2 पावर लगी पड़ी है, सिर्फ ये जो डी है इसके अंदर 4 और 3 पावर लगी हुई है। तो इट मीन्स ये द्विघात समीकरण नहीं है, 16 का डी। 17 क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन ए 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से बिंदु ए की दूरी आप लोगों को बतानी है। तो एक 3 है, एक 4 है, तो एक हो जाएगी 5 पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा चित्र बनेगा, ये सॉरी एक सर्कल ले लेते हैं हम, ये हो गया सर्कल, ठीक है। इस सर्कल पर ये बन गई त्रिज्या, ये बन गया एक पॉइंट, इस पॉइंट से एक अब ये स्पर्श रेखा तो बनी नहीं, अंडू कर देते हैं, ये स्पर्श रेखा बन गई, ये लाइन ऐसे हो गई। तो आपसे ये वाला पूछा है, जो ये वाला कितना है 3, ये वाला 4, तो ये वाला अपने आप 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, अब वही सब है ना, आपके इंग्लिश मीडियम वाले भी कुछ बच्चे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 50। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, और 11 का हो जाएगा बेटा आपका ए 44/3। 12 का हो जाएगा बेटा आपका 45 डिग्री, ऑप्शन बी, और 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी 4। 14 का हो जाएगा बेटा आपका आंसर ऑप्शन बी 1/26, और रूट 2 आपका हो जाएगा ऑप्शन डी x²-4 15 का। 16 का बेटा आप लोगों का हो जाएगा ये ऑप्शन डी, जिसके अंदर 4 और 3 पावर्स यूज़ की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा हो जाएगा आपका ए 1। 18 में बेटा आपका हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 5। अब अभिकथन और वो सब दे रखा है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची के स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, दोनों चीज़ें सही कह रहा है। तो जब हमारा सही है तो अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, और उसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण ये और एक मूल और दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, यानी कि रेसिप्रोकल है, यदि एक का 2 है तो दूसरा 1/2 है, तो k का मान 8 होगा। तो ये हमको सही बता रहा है, द्विघात समीकरण x²-x+1=0 मूल वास्तविक हैं। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को गलत बता रहा है, ये वाला सेकंड वाला गलत है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी पर अभिकथन ए, सॉरी हम जाएंगे ऑप्शन सी पर अभिकथन ए तो सही है पर आर गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 खंड का सॉल्यूशन, और खंड खा अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे जहाँ तक है। अगर इसके बाद भी आपको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा गया आपका पेपर, ज़रूर बताएंगे। वीडियो मेरी आपको कैसी लगी है, हेल्पफुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप में शेयर करना है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। जब आप 11th में आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके प्रैक्टिस पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, आंसर कीज़ और बाकी सभी CBSE अपडेट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू गाइस फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड एनकरेजिंग मी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।